इधर मत चलो यार, इधर चलो। हल्का सा देखिए, नीचे देखिए। ओहो, और यहाँ पर लाओ, यहाँ पर लाओ, यहाँ पर लाओ, यहाँ दिखाओ। अरे भाई साहब, इसके ऊपर भी चढ़ रहे हैं अभी। ओह माय गॉड, वहां भी अगर कोई डूब गया तो समझिए कि खेल खत्म है। नीचे आप देख सकते हैं, नीचे कितना और ऐसा अक्सर सुनने में मतलब यहाँ पे आता है कि कोई यहाँ पे आया था नहाने के लिए, और फिर क्या हुआ कि वो जो है यहाँ पे आकर के उसका मतलब पानी में डूब जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसा यहाँ पे होता है। तो इसलिए थोड़ा सा जो है आपको जो है हिफाजत से आना है। अब आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये देखिए नज़ारा देखिए आप। ये पूरा ऐसा नहीं है कि जैसे तैसा है, यहाँ पे आप आगे जाइएगा तो वहाँ पर जो है शेड वगैरह बना हुआ है यात्रियों के लिए, तो वहाँ पर जाकर के आप बैठ सकते हैं उसमें आराम से। और जैसा हमने बताया आपको, ये पूरा पानी रहता है इसमें, जहाँ पे अभी हम चल रहे हैं पूरा का पूरा इसमें जो है पानी ही भरा रहता है। आगे सबसे बड़ा वाला है, आगे है ना? वहां से जंप करना है सीधा उस पे, चल जाएगा। मजाक नहीं, सही में अरमान करेगा हम कर लेंगे, आप करिएगा कि नहीं ना बताइए। भाई, हमसे जंप उधर अप से नहीं घूम के होगा। आना पड़ेगा, फिर घूम के कहाँ से जाना पड़ेगा, है ही ना भाई उधर से जाना पड़ेगा। देखो आप तक पहुंच पाएंगे गैस, यहाँ पे कोई भी डेयरिंग काम ना करें, वीडियो बनाए और मस्त रहें। तो गैस वैसे तो होता क्या कि जब भी आप वाटरफॉल देखते हैं तो पानी आप सीधे नीचे गिरता हुआ देख लेते हैं, है ना? चट्टान वगैरह पे देखने का मौका नहीं मिलता है। तो ये देखिए, ये सब है जहाँ पे पूरा पानी बहता है। मतलब मैं तो देख देख के जो है मुझे जो है ना टेंशन टाइप का हो रहा है कि बाप रे बाप, ये मैं कहाँ पे आ गया हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैंने जैसे बताया आपको कि मंगल ग्रह वगैरह पे मैं पहुँच चुका हूँ। पता नहीं मंगल ग्रह या उससे भी कोई ऊपर का ग्रह होगा, वहाँ पहुँच चुका हूँ। और हल्का सा देखिए, नीचे देखिए, हल्का सा अगर सावधानी घटी दुर्घटना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ओ माय गॉड, थोड़ा थोड़ा पानी है यहाँ पे इस टाइप से। ये देख रहे हैं ना, वो देखिए वो पहाड़ रहता है, वहां से इस तरह से पानी गिरता है और फिर नीचे बहते हुए जो है फिर नीचे की तरफ पूरा पानी जाता है। तो ये है मांचल कुंड की पहाड़ी। ओरिजिनल वाटरफॉल है ना, देखिए यहाँ पे से गिरता है, हाँ वो तो पहाड़ी पे जमा हुआ पानी है, वो धीरे धीरे जमा होता है, तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे से गिरता ओहो, है, क्या तगड़ा लग रहा है। अरे भाई, अब ये देखिए यहाँ पर कितना ज्यादा है। अरे भाई साहब, मतलब अगर कोई डूब गया इसमें तो बचने का कोई चांस ही नहीं। अगर उसमें भी गैस कोई डूब गया ना, अभी वहां पर जो पानी दिख रहा है वहां भी अगर कोई डूब गया तो समझिए कि खेल खत्म है, बचने का चांस नहीं है। तो हम लोग एक्सप्लोर करने के लिए जितना जा सकते हैं जा रहे हैं। ऐसी वीडियो तो किसी ने बनाया नहीं होगा गाइस। ये देखिए वाइड एंगल में आपको हम पूरा व्यू यहाँ से दिखा रहे हैं इसका टोटल। तो गाइस इस तरह से जो है ना हम लोग मतलब नीचे आते जा रहे हैं, नीचे आते जा रहे हैं, नीचे आते जा रहे हैं, बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए ना, पानी वानी जो है इस तरह से खाई टाइप का पानी है। ओहो, और यहाँ पर लो, यहाँ पर लो, यहाँ पर लो, यहाँ दिखाओ। अरे भाई साहब, अगर ये देखिए, ये जो है ना ये बिल्कुल काई है, काई है ना। और इससे क्या होता है कि जो पानी जो ऊपर से बहता है ना नीचे तक यहाँ पे, तो ये स्लिपरी होता है बिल्कुल। और अभी देखिए अभी क्या हो रहा है कि अभी जो है ना ये पूरा उखड़ रहा है इस तरह से। तो ये असल में है क्या, ये काई है, काई। ओ माई गॉड, तो अगर मान लीजिए कि किसी का अगर पाँव इस पर लग जाता है गलती से भी, जब पानी अगर रहेगा तो सीधे वो बहते हुए जो है ना यमराज जी के पास चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं गाइज, ये जो हमारा बिहार है नंबर वन स्टेट है, नंबर वन
केरला वगैरह का नाम सुनते हैं कि केरला में ऐसा है वैसा है, हरियाली है, ये है, पेड़ पौधा, यहाँ कौन सा कम है। आपको हमने पूरा गया घुमा दिया है, सासाराम भी अब हम घुमा रहे हैं आपको धीरे धीरे, और भी यहाँ पर 3-4 स्पॉट है वो भी आपको हम घुमाएंगे। और ये भी देखिए, ये भी पूरा पानी है ऐसे, तो मतलब ये गहरा लग नहीं रहा है लेकिन तब भी है गहरा, बॉस है गहरा थोड़ा इस तरह से। देखिए यहाँ से जो है हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं ऐसे करके। ओ भाई पाँव स्लिप कर रहा है यार, स्लिप कर रहा है वहां से पाँव। हाँ तो गाइज वो पाँव स्लिप कर रहा था अभी। यो अरे बाप रे बाप। तो गाइज अब जो है हम लोग ऊपर कहीं और उधर की तरफ जा रहे हैं, नीचे का हमने दिखा दिया है आपको। और बाप रे वहाँ काफी मजा आ रहा है। चलो आ जाओ पार्टी पार्टी लोग, ऊपर आ जाओ। तो दोस्तों मेरा जो है ना बचपन से सपना था कि मतलब मैं ऐसे पहाड़ वहाड़ ये वो चीज़ों को एक्सप्लोर करूं, और अब जाकर के जो मेरा सपना है ना वो समझ ही कंप्लीट हो रहा है। और एक बार की कहानी है गाइस, एक बार क्या हुआ था कि जब मैं छोटा था तो ऐसे ही हम लोग किसी पहाड़ पे गए थे, तो कौन से पहाड़ पे गए थे वो मुझे याद नहीं है। एक बार क्या हुआ कि मैं हम थे, मेरे पापा भी थे और मेरे कुछ और भी कजिन्स लोग थे। उसके बाद है ना इस तरह से पानी फ्लो हो रहा था और मेरे फादर वगैरह जो थे वो इस साइड थे है ना, और हम लोग उस साइड थे पानी के, तो वो लोग जो हैं उस पर नहा रहे थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि इधर आ जाओ। मैं वहाँ पे गया, उसको जानते क्या हुआ, मैंने जैसे ही वहाँ पर पाँव लगाया मतलब उसको फांदा, मेरा जो एक पाँव जो है ना वो जा करके लड़ गया खाई में। हाँ वो खाई में लड़ा, मतलब खाई नहीं मतलब काई में लगा, पाँव स्लिप कर गया। और जब स्लिप करा तो मैं बिल्कुल उसी में बिल्कुल ऐसे करके लेट में बहने लगा। तो वहाँ पर जो मेरे कज़िन थे उन्होंने मुझे वैसे पकड़ लिया था। जब उन्होंने मुझे पकड़ लिया तब मैं आज आपके सामने हूँ है ना, तो और एक्सप्लोर कर रहा हूँ वो चीज़ें। तो वो जो वाला जो पहाड़ है ना वहाँ भी हम जाएंगे, वो कौन सा पहाड़ था वो भी मुझे देखने का बहुत ही मन है। तो इस कुदरत ने जो बनाई है ना चीज़, हम उसे कम्पीट नहीं कर सकते हैं है ना। अब जब ये कुदरत की तरफ से अल्लाह की तरफ से जब बारिश होगी तभी यहाँ पर पानी आएगा और फिर ये खूबसूरती जो है और बढ़ेगी। और ऐसे भी जो है खूबसूरती है वो कम नहीं लग रही है यहाँ पे। हम लोग वहाँ पर थे अभी और वहाँ से हम लोग ट्रैवल करते हुए यहाँ पे आ गए हैं, और अभी हम थोड़ा सा और ऊपर जाने वाले हैं, वहाँ पे देख दिखलाने वाले हैं आपको कि वहाँ पे क्या है। वहाँ पर देखिएगा तो वहाँ पर जो है एक मॉन्यूमेंट बना हुआ है पुराना, कोई इस तरह का मॉन्यूमेंट देख सकते हैं आप, और इसके अंदर जो है कुछ सामान वामान रखा हुआ है। और उसी तरह से एक और कुछ यहाँ पे बना हुआ है, ये देखिए। तो हम लोग इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी चढ़ रहे हैं अभी। ओह माय गॉड, तो गाइस ये देख सकते हैं आप, यहाँ से जो है ना पूरे सासाराम का और पूरे इस पहाड़ का जो है ना नज़ारा आपको यहाँ पर दिख सकता है। ये है हमारा सासाराम, ये है हमारा बिहार। तो गाइस अभी जो है हम लोग समझिए कि इस पूरी पहाड़ी के बिल्कुल बीच में है, और यहाँ पे जो है ना एक ये भी कोई पुराना मंदिर जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे शेड है, तो यहाँ पर जो है आप आराम से आकर के रेस्ट वगैरह कर सकते हैं इसमें। लेकिन फिर से गाइस वही चीज़, यहाँ पर नालायकों की करामत देखिए, यहाँ पर देखिए ये इनका दिल में तीर लग चुका है, ये सब क्या है। तो ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए हम लोगों को, लेकिन तब भी लोग जो है इस तरह से हरकतें यहाँ पे कर ही रहे हैं। तो गाइस इस तरह से जो है हमने आपको घुमा दिया है मांझरकुंड का पहाड़, और उम्मीद करते हैं कि आपको जो है काफ़ी मज़ा आया होगा। हमने कोशिश की है कि आपको हम कंप्लीट यहाँ पे मांझरकुंड का डिटेल दे दें और जानकारी भी। तो गाइस हम मिलते हैं आप साथ एक और नई वीडियो में किसी नए धमाके के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।